आज के स्टैंड को बनाने के लिए सबसे पहले व्यू ऑप्शन में जाके फ्रंट व्यू को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में हम लोग लाइन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले लाइन बनाएंगे हम लोग 70 mm की, उसके बाद हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइन बनाएंगे 30 mm की, और ऐसा करके हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेंगे 70x30 का। अभी हम लोग स्केप करने वाले हैं। अभी आइसोमेट्रिक व्यू में जाके आइसोमेट्रिक को सिलेक्ट किया, प्रेसफुल कर लेंगे। प्रेसफुल वैल्यू होगी 40-55। अभी हम लोग फिर से लाइन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इस कॉर्नर से हम लोग अपर डायरेक्शन में लाइन बनाएंगे 8 mm की, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनाएंगे हम लोग 45 mm की लाइन, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाएंगे 8 mm की लाइन। स्केप कर देंगे कमांड को। अभी प्रेसफुल ऑप्शन पे जाके और इसे सिलेक्ट करके प्रेसफुल कर देंगे, मटेरियल रिमूव हो गया। अभी रोटेट कर लेंगे, फिर से लाइन ऑप्शन पे जाके इस कॉर्नर को सिलेक्ट किया और वैल्यू पुट किया उस डायरेक्शन में 25, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 17, और इस डायरेक्शन में फिर से 25। और इंटर कर दिया। अभी स्केप कर देंगे कमांड को। अभी प्रेसफुल कर लेंगे, प्रेसफुल वैल्यू होगी 50 mm। अभी लाइन ऑप्शन को सिलेक्ट किया, इस कॉर्नर पे गए और इस डायरेक्शन में हम लोग लाइन खींचेंगे 15 mm की, और उधर खींचेंगे 25 mm की, और स्केप कर देंगे कमांड को। और पहले ये कॉर्नर को मीट कर लेंगे। अभी स्केप कर दिया, प्रेसफुल कर लेंगे, अपर डायरेक्शन प्रेसफुल वैल्यू होगी 30 mm। अभी हम लोग फ्रंट व्यू को सिलेक्ट करेंगे और पॉली लाइन को सिलेक्ट करेंगे। अभी इस कॉर्नर को सिलेक्ट किया, फिर इस कॉर्नर को। अभी इस डायरेक्शन में हम लोग 10.5 वैल्यू पुट करेंगे अपर डायरेक्शन में। ऑर्थोगोनल मोड ऑन करेंगे पहले लाइन को स्ट्रेट करने के लिए, और अभी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 25 mm। अभी इस डायरेक्शन में 8, डाउनवर्ड डायरेक्शन 15, इस डायरेक्शन में 30, अपर डायरेक्शन में फिर 15, फिर से 8, और डाउन डायरेक्शन में 25, और मिला देंगे इस कॉर्नर से। एस्केप कर देंगे कमांड को। व्यू में जाएंगे, रोटेट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फिगर को रोटेट कर लेंगे। अभी एक्सट्रूड ऑप्शन को सिलेक्ट करके इस फिगर को एक्सट्रूड कर लेंगे, और एक्सट्रूड वैल्यू होगी 40 mm। अभी हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग कमांड को एस्केप कर देंगे फ्रंट व्यू में। आइसोमेट्रिक कर लिया, लाइन ऑप्शन को सिलेक्ट करके इस कॉर्नर से हम लोग लाइन बनाएंगे 30 mm की, और दूसरी डायरेक्शन में बनाएंगे 18 mm की। कमांड को एस्केप कर देंगे। अभी हम लोग डायमीटर सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे 22 डायमीटर का सर्कल। अभी एस्केप करेंगे, सर्कल को सिलेक्ट कर लेंगे और कॉपी ऑप्शन पे जाएंगे। इसको कॉपी कर लेंगे सेंटर से, दूसरे सर्कल के सेंटर की दूरी 34 mm हो जाएगी। एस्केप कर देंगे कमांड को। अभी हम लोग शेडेड एंड एज ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे व्यू में। अब प्रेसफुल ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से मटेरियल को रिमूव कर देंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन। वैल्यू होगी 22 mm। ऐसा करके इस सर्कल से भी रिमूव कर देंगे। अभी हमको जो लाइंस नहीं चाहिए उन लाइंस को डिलीट कर देंगे।
अभी हम लोग फिगर को रोटेट कर देंगे, कमांड यूज करेंगे सिलेक्ट एड और कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे। अभी आर इंटर करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 15, इंटर कर देंगे। अभी फिर से इंटर करेंगे और एक बार और इंटर की को प्रेस करेंगे और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी इस लाइन को डिलीट कर देंगे। अभी आइसोमेट्रिक व्यू को सिलेक्ट